Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. So let's continue beta, exercise 13.1, question number 23. First of all beta, today we will discuss left limit and right limit. Now beta, we have already discussed Dirichlet neighborhood. Suppose beta, A is a point. Then B, C, any open interval which containing A is a neighborhood of A. Then B to A, open interval B to A union B to C is called a Dirichlet neighborhood. Now beta, it is called a left neighborhood and it is called a right neighborhood. If we choose X from left neighborhood, then limit is called left limit, and if we choose X from right neighborhood, then it is called a right limit. Then beta, left limit can be written as X approaches to A. A के ऊपर बेटा negative sign denote किया गया, मतलब इससे बेटा जैसे symbol है और कुछ नहीं है, ये नहीं कि इससे just ये पता लगता है कि आपने जो X choose करना है वो A से छोटा छोटा लेना है. और right limit को लिखने का तरीका है बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, मतलब इसका मतलब है कि आपने एक्स जो लेना है बेटा वो ए से बड़ा बड़ा लेना, मींस आप एक्स जो पिक करोगे वो राइट नेबरहुड में से पिक करोगे. इस लिमिट में बेटा लेफ्ट लिमिट में बेटा आप एक्स ये जो लेफ्ट नेबरहुड है इसमें से पिक करोगे. अब ये कंसेप्ट कहाँ पे बेटा अप्लाई होगा, जब बेटा आपके किसी फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट और लिमिट पॉइंट सेम हो, जैसे मैंने ए पे लिमिट चेक करी और फंक्शन की जो ब्रेकिंग है वो भी ए पॉइंट पे हो, तब मुझे बेटा लेफ्ट और राइट लिमिट का यूज करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सीख लेते हैं लेफ्ट लिमिट की डेफिनेशन. एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच. तो बेटा इस लिमिट को इस तरीके से बेटा लिखोगे और इसके बाद फर्दर आप सोल्व कर सकते हो. और राइट लिमिट को बेटा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच. क्लियर बेटा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच. तो इस तरीके से बेटा हम लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर चेक करेंगे. अगर बेटा लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आ जाएगी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी टोटल लिमिट इसके इक्वल और एग्जिस्ट कर रही है. अगर इन दोनों लिमिट्स का बेटा आंसर अलग अलग आएगा तो मैं ये बोल दूंगा कि सिंपल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा एनसीईआरटी बुक का ही है. एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री टाइम एक्स प्लस वन. कंडीशन आर बेटा इफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो. तो ये बेटा मेरा फंक्शन है, फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ है. ठीक है बेटा, फंक्शन में ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है बेटा, जीरो. अब मैंने लिमिट चेक कर दिया बेटा, सपोज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स. अब बेटा मेरा जो लिमिट पॉइंट है मींस जिस पॉइंट पे मैंने लिमिट चेक करनी है वो वन है और ब्रेकिंग पॉइंट जीरो है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेफ्ट और राइट लिमिट में मूव नहीं करूंगा. मैं सीधे बेटा एक्स एक मतलब एक्स जो बेटा वन के नियर अबाउट लेना है, तो वन जो है बेटा जीरो से ग्रेटर ही है, तो मैं सीधा इसमें बेटा सॉल्व कर सकता हूँ. तो मेरी फंक्शन की वैल्यू कौन सी चूज करूंगा मैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन थ्री टाइम एक्स प्लस वन. फाइनल आंसर विल बी सिक्स. नाउ इफ बेटा वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स देन, तो बेटा इसको सोल्व करने के लिए आपको लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों देखनी होगी. क्यों, क्योंकि आपका ब्रेकिंग पॉइंट भी बेटा फंक्शन का क्या है, जीरो, और जो बेटा लिमिट पॉइंट है वो भी क्या है, जीरो. तो इसको बेटा सॉल्व करने से पहले मुझे क्या क्या फाइंड करना होगा, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल सॉल्व राइट लिमिट. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, वी कैन राइट लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच. अब बेटा मैंने राइट नेबरहुड पिक करना है जीरो से बड़े वाला, तो जीरो से बड़े वाला फंक्शन कौन सा है बेटा, थ्री एक्स प्लस वन. तो इसमें बेटा पुट करूंगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये क्या बना बेटा एफ ऑफ एच. तो एफ ऑफ एच की वैल्यू यहां से बेटा मैं फाइंड करूं थ्री टाइम एच प्लस वन,
एच को जीरो पुट किया बेटा, आंसर इज थ्री। मेरी राइट जो राइट लिमिट है बेटा उसका आंसर क्या आया, थ्री। नाउ वी विल फाइंड लेफ्ट लिमिट, एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, देन वी कैन राइट लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, दैट इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। अब बेटा जीरो से छोटे की बात हो रही है, जीरो से छोटे में फंक्शन कौन सा बेटा, टू एक्स प्लस थ्री, अगर वो पुट करोगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू एच प्लस थ्री। अब मैं एच को जीरो पुट करूंगा, आंसर क्या आएगा बेटा, थ्री। तो मेरा लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ने आंसर क्या दिया बेटा, थ्री। तो इसका मतलब ये पूरी लिमिट का आंसर भी क्या है बेटा, थ्री। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है बेटा, लेफ्ट और राइट लिमिट सॉल्व करनी है तब जब अगर लिमिट पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट सेम हो। क्लियर बेटा, सिंपल सी एक्सरसाइज बेटा, सभी क्वेश्चन ट्राई करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।